Thank you.
जब कभी भी मुंगेर जाने के लिए अगर खगड़िया से चलते थे तो दोस्तों ये विक्रमशिला जो कि भागलपुर के पुल होते हुए ऐसे
हुए हैं जो कि एक दूसरे में फंसा हुआ है, मतलब इतनी मोटी मोटी कील से जो है ना एक दूसरे को अटैच किया हुआ है। तो चलिए यहाँ से हम लोग इस वाले सीढ़ी में एंट्री लेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे देख पा रहे हो, ओ माय गॉड, ये क्या, ये तो बंद है। यहाँ पे जो है ना लोहा से जो है ना इसको ब्लॉक कर दिया है, मतलब इस बीच से जो है ना, मतलब रेलवे के लिए आता होगा, रेलवे वाले ट्रैक के लिए, लेकिन यहाँ पे मना कर दिया है। तो चलिए हमें जो है ना अब यहाँ से भी जो है ना मुँह की खाना पड़ेगा। वैसे हमारे दो दो जो है साथ में जो बच्चे थे, ये लोग बोल रहे हैं फूफा जी मैं ऊपर से जो है ना चढ़ के आ जाता हूँ, लेकिन हमें रिक्शा नहीं करना है क्योंकि हम यहाँ वीडियो बनाने के लिए आए हैं। नो रिक्स नो चांस, इसलिए हम यहाँ से रिटर्न चलते नीचे उतरेंगे, फिर दोबारा नीचे से जो है ना जो सीढ़ी है स्टार्टिंग से ऊपर चढ़ेंगे। और क्या, लेट तो हो चुका है, जैसे रिटर्न आने टाइम जो है ना पुल संख्या आपको 18 हो जाता है, इधर से जाने टाइम 17 है। तो चलिए हम दोबारा मेहनत करते हैं। और क्या, यहाँ से हम रिटर्न आ रहे हैं और रिटर्न आने के बाद दोबारा हम उस पुल पर चढ़ेंगे। देखिए ये बहुत ख़तरनाक मतलब रास्ता है ऊपर से नीचे आने में, मतलब पत्थर ईटा जंगल झाड़ बहुत सारे, मतलब कटीला, वो देखिए वो लड़के लोग ऊपर जो जा रहे हैं वहाँ से हम रिटर्न आ रहे हैं क्योंकि उससे ऊपर वाले पुल पे चढ़ना है। अब बताइए सीढ़ी वहाँ मुझे मालूम नहीं था, इन लड़के लोग को भी मालूम नहीं था, तो मुझे दोबारा वहाँ से रिटर्न आना पड़ रहा है और नीचे चलता हूँ। और वहाँ पे देखिए वो दूर में जो है ना सीढ़ी स्टेयर लगा हुआ है जो कि बस वाले एरिया में चढ़ना है मुझे। तो चलिए दोस्तों वहाँ तक चलते हैं। और क्या, आज तो चल चल के हमारा तो हालत ख़राब होने वाला, कोई नहीं आप लोगों के लिए तो हम ये क्या इससे भी बड़ा पहाड़ चल जाए चढ़ जाएंगे, तो पहाड़ है ही नहीं। वैसे भी हमारा भी देखने का जिज्ञासा बढ़ते जा रहा है, जहाँ जहाँ पुल का इतना भयंकर जो दृश्य है। तो यहाँ से हम पुल के मतलब ऊपर जाने के लिए एंट्री है, ये थोड़ा सा लोहे वाला गार्डर बना हुआ, यहाँ से सीढ़ी है। अब सीढ़ी बाई सीढ़ी हम ऊपर चढ़ते हैं, देखते हैं। और वैसे कठिन ये रास्ता है क्योंकि अगर आपका पैर यहाँ से थोड़ा सा भी मिस हुआ ना आप गिरेंगे तो यहाँ पे जो है ना, और लोहे का बना हुआ है तो चोट तो पक्का बहुत तगड़ी वाला आने वाला है। तो इसीलिए आराम आराम से इसको एक सीढ़ी के सहारे एक दूसरे के सहारे मतलब पकड़ के आप ऊपर चढ़िए। और ये लंबा सीढ़ी है तो चलिए इसको थोड़ा हम जल्दी खींच लेते हैं। सच बताओ ना ये सीढ़ी जो इधर के साइड में, ये चढ़ते चढ़ते मेरे सीना फूलने लगा और डर से तो अभी हालत ख़राब है क्योंकि मुझे डर लग रहा था कहीं मैं एक बार अगर पैर घुस गया ना अगर सीढ़ी से नीचे तो डायरेक्ट पताल का दरवाज़ा खुला, इधर कहीं रुकने वाला नहीं क्योंकि ये हाइट जो है ना मिनिमम आप 5 फ्लोर, हाँ 4-5 फ्लोर समथिंग का है। तो इसीलिए दोस्तों मैं क्या बताऊं, अभी मेरे जगह पर आप होते तो आप भी इसी तरह डरे हुए महसूस करते हैं। तो दोस्तों चलिए ये देखिए प्यारा सा नज़ारा, हमारे पीछे गाड़ी वगैरह आ रहे हैं। मीडिया वाला चीज़ हाँ नहीं, YouTube चैनल है हमारा टेक म्यूजिक बिहारी YouTube चैनल है। तो दोस्तों यहाँ पे देख पा रहे हैं इधर साइड में कुछ युवक ये सारे लोग पुल पे ऊपर आए थे घूमने के लिए, देख पा रहे हैं। चलिए इन लोगों से सारे युवक हैं। तो दोस्तों यहाँ पे चढ़ने में बहुत तकलीफ हुआ चढ़ने में, और कैमरा का भी उन सब का भी जो है ना। तो दोस्तों ये पुल बन जाने के बाद जो है जो बेगूसराय का जितने भी लोग हैं वो लोग अगर मुंगेर जाना चाहता था तो पहले उधर से घूम के मोकामा पुल होते हुए जो कि उनको 20-30 किलोमीटर एक्स्ट्रा घूमना पड़ता था, तो उसके बाद वो मुंगेर आते थे या तो नाव टप करके उस पार जाना पड़ता था। तो दोस्तों इन लोगों को बहुत ही सुविधा हो गया है बेगूसराय और खगड़िया वाले का। खगड़िया वाले का तो बहुत ही ये एक प्रकार का जो है ना 100 किलोमीटर उन लोगों को जो है ना बचत हो गया ये पुल बनने से।
तो दोस्तों ये पुल तो बनना ही चाहिए था और बना। हम लोगों को बहुत ही अच्छा लग रहा है ये पुल देखने के बाद। तो देख सकते हैं दोस्तों, पुल का नज़ारा कुछ ही अलग ही है यहाँ पे, क्योंकि ऐसा पता नहीं था कि इस गांव में, इस इलाका में इतना बड़ा पुल बनने वाला है दोस्तों। और बन गया तो देखिए कितना ही खूबसूरत लग रहा है। और अभी चमचमाते स्टील का लोहे से लदा हुआ ये पुल, इतना भारी भरखम पुल है, जो कि 696 करोड़ की लागत से ये पुल बना हुआ है। और देख पा रहे हैं जितने लोकल वाले था हमारे पास में, जो वीडियो में थोड़ा सा शूट हुआ, ये लोग वापस जा रहे हैं। इतना मतलब ऊंचा बना हुआ है पुल, एक जैसे कि लग रहा है कोई महल से मैं ऊपर से वीडियो शूट कर रहा हूँ। देख सकते हैं दोस्तों ये सारा गांव का नज़ारा, छोटे छोटे लग रहा है, मैं हेलीकॉप्टर से जैसे कि ऊपर से नीचे का जो है ना भ्रमण कर रहा हूँ, प्रशिक्षण कर रहा हूँ दोस्तों, ऐसा नज़ारा लग रहा है। तो दोस्तों मैं अभी आ गया हूँ मुंगेर की तरफ, ये थाना जो है मुंगेर थाना। अब मैं यहाँ से रिटर्न किसी बाइक से चलता हूँ और पूरा वीडियो यहाँ का लेने का कोशिश करूँगा, पूरा पुल के ऊपर का जो व्यू। तो दोस्तों ये मुंगेर का एरिया मैं आ गया हूँ चलते चलते। तो दोस्तों यहाँ पे एक यहाँ से गुजरने वाले बाइकर को मैंने उनसे लिफ्ट लिया हूँ, इनसे मैं इनका मतलब इनके परिचय वगैरह बाद में लूँगा। तब तक मैं इस पुल का उस पार कर लेता हूँ और देखता हूँ इस पुल के ऊपर का नज़ारा कैसा है। तब तक आप लोग इस वीडियो को आगे तक देखिए, अगर ज़्यादा टाइम लग रहा है तो आप वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं।
आपने लिफ्ट दिया मुंगेर से। और भाई साहब आपका नाम क्या है? राजू कुमार। कहाँ का है आप रहने वाले? रघुनाथपुर। रघुनाथ, तो चलिए दोस्तों, इन्होंने मेरा मदद किया, मतलब वो मुंगेर से आने में, ताकि बाय रोड में इधर से गया था रेलवे वाली पटरी होते हुए, और ये भाई साहब ने मुझे मदद किया यहाँ तक आने में। चलिए थैंक यू दोस्त। We'll be right back.